हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में मेनली एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है और सबको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारा है पाचन तंत्र, यानी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बिना तो हम लोग का कोई भी काम ही नहीं होने वाला है, ना खाना पचेगा और ना ही एनर्जी मिलेगी। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ये सिस्टम है, ठीक है, यानी बहुत सारे तंत्र मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलके एक सिस्टम बनाती है, एक तंत्र बनाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र है ये, ठीक है। तो मेनली डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों ज़रूरी है, हमारा बॉडी काम करता है, ठीक है, हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है आखिर, तो वो एनर्जी किससे आता है, तो भोजन से आता है। जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी हम लोग अपने डाइट में लेते हैं, तो हम लोग खाएंगे तो वो पचेगा। तो पचने के लिए क्या चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है पचाना, ठीक है। तो इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वी नीड फूड फॉर सेलुलर यूटिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सिंथेसिस, सुगर्स ETC टू ब्रेक डाउन फॉर एनर्जी। तो हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन जो है वो क्या करता है, सेलुलर यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी हमारा जो बॉडी है वो छोटे 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 सेल से बना होता है। सबसे छोटा यूनिट जो है हमारे बॉडी का वो क्या है, सेल है। बहुत सारे सेल टिश्यू फॉर्म करते हैं, और बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन फॉर्म करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जो है हमारा पूरा बॉडी फॉर्म करता है, ठीक है। पूरा बॉडी किससे बना है, तो यही छोटे छोटे सेल से बना है। तो इन सेल को अपने काम को पूरा करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो वो एनर्जी हमारे फूड से मिलेगा। फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, शुगर स्टार्च वगैरह होता है। तो ये सभी क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को, ठीक है। ये सभी टूट टूट के ब्रेक डाउन होगा, इनका डाइजेशन में क्या है, ब्रेक डाउन होगा लार्जर मॉलिक्यूल का स्मॉलर मॉलिक्यूल में। यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिए जाते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के थ्रू, ठीक है। मोस्ट फूड दैट वी ईट कांट बी डायरेक्टली यूज बाई द बॉडी, टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टू बी एब्जॉर्ब्ड, केमिकल कंपोजिशन मस्ट बी मॉडिफाइड टू बी यूजेबल बाई सेल्स। बहुत सारे भोजन जो होते हैं वो डायरेक्टली हम नहीं खा सकते हैं, डायरेक्टली हमारा बॉडी उसे यूज़ नहीं कर सकता है, तो वो इतने बड़े होते हैं कि वो डायरेक्टली नहीं डाइजेस्ट हो पाएंगे। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, किसी भी चीज़ को खाते हैं, तो दांत से चबाते हैं, ठीक है, चबाते हैं तो उसे छोटे 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 पार्ट में वो टूट जाता है, यानी लार्जर मॉलिक्यूल टू स्मॉलर मॉलिक्यूल में उसका ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो वो आसानी से फिर अंदर जाता है फूड पाइप के थ्रू, ठीक है, स्टोमिक में जाता है, तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं, हमारे हमारे माउथ में ओरल कैविटी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि उसे और भी ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो कुछ केमिकल कंपोजिशन होते हैं जो कि मतलब मॉडिफाइड होने चाहिए, इसमें कह रहा है कि मॉडिफाई होने चाहिए, जो कि अच्छे से उसे डाइजेस्ट कर सके, स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ सके, ठीक है। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है। सबसे पहले तो हमारा दांत ही है ना जो कि प्रोसेस में आता है, तो हमारा दांत क्या करता है, वो फिजिकल मेथड है, एक तरह से फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। हमारे मुंह में हमारे दांत के थ्रू 30% डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, ठीक है। इसमें भी एक ये है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जो हमारा डाइजेशन है, वो फिजिको केमिकल प्रोसेस है। यानी फिजिकल प्रोसेस कहाँ हो रहा है, वो हमारे माउथ में हो रहा है, हमारे ओरल कैविटी में हो रहा है। और जो केमिकल प्रोसेस है वो क्या है, जैसे सेलेवरी ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड जो है वो हमारा टाइलिन नामक एंजाइम को सिक्रिएट करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि स्टमक में और हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स द्वारा सिक्रिएट किए जाते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का, फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन। यानी फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, तो ये फिजिकल और केमिकल डाइजेशन करेगा। फिर सेकेंड है एब्जॉर्प्शन करेगा, डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन अगर हमारा बॉडी का जो
सेल है, जो पार्ट्स हैं, वो उसे एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा। कलेक्ट एंड एलिमिनेट नॉन यूजेबल कंपोनेंट्स। तो सभी देखिए, जैसे कि गन्ने का रस हम लोग निकालते हैं, तो गन्ने का रस हम लोग ले लिए हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है, और जो उसका जो बच गया, उसका जो वो पार्ट बच जाता है, ईख का जो वेस्ट है, वो तो बाहर निकाल देते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में जो फूड खा रहे हैं, तो जो उसमें अच्छा है वो सारा हमारा बॉडी उसे क्या कर लिया, यूज कर लिया, और जो वेस्ट है, जो यूज़ नहीं होने वाला है, वो क्या होता है, वो फिर एलिमिनेट हो जाता है। जो काम क्या कौन सा ऑर्गन करता है, तो वो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन करता है ये काम। तो अब हम लोग देखेंगे एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के एनाटमी में क्या है, यानी हम लोग मेनली यहाँ पे देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो बना किस किस पार्ट से है, ठीक है। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म इसेंशियली अ लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है और एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कह सकते हैं, GIT। तो सबसे पहले हमारा आता है माउथ, जिसे हम लोग ओरल कैविटी और बकल कैविटी भी कह सकते हैं। फिर हमारा आता है फेरिंक्स, फिर हमारा आता है इसोफेगस को हम लोग विंड पाइप भी बोल सकते हैं। फिर हमारा आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस, ठीक है। ये सभी पार्ट्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो एसेसरी ऑर्गन्स में कौन कौन से नाम हैं, तो वो हम लोग उन स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है सेलेवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा सिक्रेट करता है, इसमें भी दो तीन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है टीथ, लीवर, गॉल ब्लेडर, पैनक्रियाज और मेसेंट्रीज। तो इसमें मेन जो एसेसरी ऑर्गन है उसके बारे में, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो है सेलेवरी ग्लैंड, और फिर हमारा गॉल ब्लेडर है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ठीक है। मेन रोल यही प्ले करती हैं एकदम, ठीक है। तो सलेवरी ग्लैंड, टीथ, लीवर, गॉल ब्लेडर, पैनक्रियाज, मेसेंट्रीज, ये सब क्या है, ये सब एसेसरी ऑर्गन्स हैं। और जो मैंने पहले जिन पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था, वो था एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में मिलनी क्या है, कि वो सारे जो भी हम लोग भोजन को खाते हैं, मतलब फूड को कंज्यूम किए, तो वो उन कैनाल के थ्रू, वो एक रास्ता है जिसके थ्रू हमारा खाना मतलब पास होता है आगे। जैसे हमारे सबसे पहले माउथ है, तो माउथ में हम लोग मुँह में खाना लिए, फिर वहाँ से हमारे फेरिंक्स में गया, फिर विंड पाइप में गया, तो विंड पाइप के थ्रू हमारे पेट में जाता है, पेट से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, फिर रेक्टम एनस के थ्रू बाहर एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक रास्ता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री ट्रैक जो है, एक ट्रैक है, एक रास्ता है जिसके थ्रू फूड पास होता है। और एसेसरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कि मेनली खाना को पचाते हैं और उसे एनर्जी के फॉर्म में बदलते हैं। दी GI ट्रैक इज लोकेटेड मेनली इन एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो GI ट्रैक है, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, कहाँ स्थित होता है, तो वो हमारे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में होता है। और सीरस मेम्ब्रेन इसे चारों तरफ से घेरे रहता है। सीरस मेम्ब्रेन भी दो तरह का होता है, एक पेराइटल मेम्ब्रेन उसमें होता है और विस्ट्रल मेम्ब्रेन होता है। तो विस्ट्रल मेम्ब्रेन जो है वो कवर किए रखता है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ऑर्गन्स हैं उन्हें। दिस सीरस मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद पेराइटल पेरिटोनियम, एक्सटेंड्स बिटवीन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एज मेसेंट्रीज। मेसेंट्रीज की तरह ये क्या करता है कि जो मेनली हम लोग क्या इसमें देख रहे हैं कि सीरस मेम्ब्रेन जो है वो कवर किए रखता है, सराउंड किए रखता है, ठीक है, मतलब चारों तरफ से उसको कवर किए रहेगा। तो सीरस मेम्ब्रेन जो है वो पेराइटल पेरिटोनियम के साथ में क्या करता है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन के बीच में एक्सटेंड रहता है, ठीक है, जिसे कि हम लोग मेसेंट्रीज कह सकते हैं, ठीक है। मेसेंट्रीज जो हैं वो मेनली क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गन है उसे अपने प्लेस पर मतलब रखे रहते हैं, मतलब हिले डुले ना, ठीक है, प्रिवेंट टेंगलिंग।
उसे होल्ड किए रखते हैं जिस प्लेस पे है, जैसे लीवर जहाँ पे है, ठीक है, और जहाँ पे हमारा इसोफेगस है, स्टमक है, उनको उनके जगह पे बनाए रखना जो है वो काम होता है मेसेंट्रीज का, ठीक है। दी वॉल ऑफ दी एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारा जी आई ट्रैक है, उसके वॉल के चार लेयर हैं, ठीक है। तो उन चारों लेयर्स के नाम जानते हैं अब हम लोग, तो आउटर से इनर जाएंगे, यानी सबसे बाहरी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है सीरोसा, ठीक है, और जो सेकेंड लेयर है वो है मस्क्यूलेरिस, और उसके अंदर है सब म्यूकोसा, और फिर सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो है म्यूकोसा, ठीक है। तो इन चारों लेयर्स का नाम याद कर लीजिए, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो है माउथ, जिसे हम लोग बकल कैविटी भी कह सकते हैं और ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। बॉर्डर्ड अबव बाय हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, तो पैलेट क्या है, तो हम लोग अगर अपना मुंह खोलते हैं, ठीक है, आँख ही है, ठीक है, तो देखिए हमारा जो दांत है ऊपर, उसके अगर हम लोग ऊपर देखें जीभ के जस्ट ऊपर, तो ऊपर क्या होता है, तलवा हम लोग को टच होता है, जो कि बहुत टफ होता है, ठीक है। और जैसे अंदर जाएंगे, ठीक है, अंदर जाएंगे गले के पास, तो वहाँ पे देखेंगे कि ऊपर का जो मतलब ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो हार्ड पैलेट क्या है, दांत के जो जस्ट बगल में, ठीक है, ऊपर का जो पार्ट है दांत के जो जस्ट बगल में है वो हार्ड पैलेट है, और जो सॉफ्ट पैलेट है वो अंदर अंदर की तरफ होगा, जो थोड़ा सॉफ्ट होगा। फॉर्म्स पार्टीशन बिटवीन माउथ एंड नजल पैसेज, यानी जो नजल कैविटी है, जो हमारा ओरल कैविटी है, उसके बीच में ये पार्टीशन यानी सेपरेशन फॉर्म करता है, अलग रखता है उन दोनों पार्ट को, ठीक है। फाउसेज है ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी इनटू थ्रॉट, ठीक है, बकल कैविटी के ओपनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, फाउसेज कहेंगे। इब्यूला इज सस्पेंडेड फ्रॉम रियर ऑफ सॉफ्ट पैलेट ब्लॉक नेजल पैसेज वेन स्वेलिंग, ये क्या करता है कि जब हम लोग कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग निगलते हैं उसको, तो उस टाइम में ये क्या करता है, इब्यूला जो है वो नेजल पैसेज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। टंग लाइन्स वेंट्रल बॉर्डर ऑफ माउथ कैविटी इज स्केलेटल मसल कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन रफ एलिवेटेड प्रोजेक्शंस पैपिला, तो ये क्या है हमारा, ठीक है, वेंट्रल बॉर्डर ऑफ माउथ कैविटी, यानी हमारे माउथ कैविटी में प्रेजेंट होता है, और ये क्या, और ये वेंट्रल बॉर्डर फॉर्म करता है, ठीक है, और ये स्केलेटल मसल से बना होता है, और ये इज स्केलेटल मसल कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, इस लाइन से आप समझ रहे होंगे क्या कि ये स्केलेटल मसल से बना होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है, ठीक है। रफ एलिवेटेड प्रोजेक्शन, यानी जीभ के ऊपर क्या होता है कि थोड़ा हम लोग उसको टच करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसे छोटा छोटा प्रोजेक्शन ऐसे निकला निकला रुखड़ा सा हम लोग को महसूस होगा, तो वो क्या होता है, वो पैपिला होता है, और पैपिला के भी कुछ टाइप्स होते हैं, पहला है फंजीफॉर्म, दूसरा है फोलिएट, और तीसरा है वैलेट, ऑन सम आर टेस्ट बर्ड्स, इसमें से कुछ क्या है, टेस्ट बर्ड्स है, यानी हम लोग को टेस्ट आता है ना, तीखा आता है, मीठा आता है, कड़वा आता है, तो वो सारे टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, पैपिला होता है, पैपिला में भी हमारा, और पैपिला के भी टाइप होते हैं, फंजीफॉर्म, फोलिएट, वैलेट, ये सारे टाइप्स हैं हमारे पैपिला के, ठीक है। तो टंग के भी बहुत फंक्शन होता है, वो फूड को मिक्स कर देता है, सबसे अच्छा फंक्शन तो यही है। अब हम लोग क्या देखेंगे, टीथ के बारे में, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि दांत जो है वो हमारे ज़िंदगी में दो बार आते हैं, ठीक है, एक होता है दुधिया दांत और एक होता है एकदम परमानेंट वाला टीथ, यानी मिल्क टीथ होता है एक, और एक होता है परमानेंट टीथ, ठीक है। तो इसमें दो सेट हम लोग देखेंगे, डेसीडियस होता है और एक हमारा परमानेंट टीथ होता है। डेसीडियस टीथ को हम लोग क्या कहते हैं, बेबी टीथ भी कहते हैं या फिर मिल्क टीथ भी कहते हैं। ये कितने नंबर में होता है, इसका संख्या 20 होता है, यानी बचपन में जब छोटे होते हैं, जब हम छः महीने के होते हैं तब हमारे दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये 13 साल तक ये सारे दांत टूट भी जाते हैं, और ये दांत कितने होते हैं, तो 20 दांत होते हैं, जो कि क्या है, मिल्क टीथ है, यानी बेबी टीथ है वो हमारा। परमानेंट टीथ जो होता है वो 13 साल के बाद हमारे मुंह में, माउथ कैविटी में वो मतलब बनते हैं, और कितनी संख्या में होते हैं, तो वो 32 होते हैं। ईच टूथ हैज अ क्राउन एबव गम एंड अ रूट बिलो गम, गम क्या होता है, जो मसूड़ा है हमारा, सभी टूथ के ऊपर क्या होता है,
कि मसूड़ा होता है ना, ठीक है, मसूड़ा, मसूड़ा के ऊपर क्या, क्राउन, क्राउन होता है, क्राउन क्या होता है, ताज, ठीक है। तो हमारे दांत के प्रोटेक्शन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो क्राउन होता है और रूट होता है, ठीक है। तो जो हमारा गम है, जो मसूड़ा है, उसके ऊपर जो होगा वो हमारा क्राउन है, और जो बिल्लो गम यानी मसूड़े के नीचे क्या है उसके, उसको हम लोग कहेंगे रूट, ठीक है। अब हमारा जो टीथ में इम्पॉर्टेंट है वो है क्या, जिंजाइवाइटिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गम सराउंडेड टीथ, ठीक है। तो हमारे टीथ को चारों तरफ से कवर किए रहता है गम, ठीक है, गम यानी मसूड़ा। मसूड़ा ही ना हो तो आप सोच सकते हैं कि हमारे दांत का स्थिति क्या होगा, पूरे झड़ जाएंगे, उम्र से पहले ही बुढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसे हम लोग जिंजाइवाइटिस कहेंगे। कैन लीड टू पेरियोडोंटल डिजीज, यानी हमारे दांत से जुड़ी बीमारियां, बहुत ही भयंकर भयंकर बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। जिंजाइवाइटिस अगर हो गया तो सबसे पहले शुरुआत तो इन्फेक्शन से ही होता है ना, छोटा इन्फेक्शन ही बाद में बहुत डेंजर बड़ा बन जाता है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। तो ये था टीथ। तो टीथ के बारे में मेनली आप दो चीज़ याद रखिए कि ये दो सेट में होते हैं। एक होता है बचपन में, यानी कि 6 साल से 13 साल तक वो हमारा, सॉरी 6 महीने से वो मतलब बनने लगता है हमारे माउथ कैविटी में, देखते हैं दांत आने लगते हैं, ठीक है। तो वो 6 महीने से शुरुआत होगा दांत के निकलने का, और 13 साल तक वो टूट भी जाएंगे। फिर 13 साल से क्या होता है कि वो परमानेंट टीथ हमारे माउथ कैविटी में, हमारे मुंह में निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी संख्या होती है 32, ठीक है। और इसमें मेन हमारा क्या है कि जिंजाइवाइटिस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ दी गम। अब हमारा क्या है कि टीथ के प्रकार को हम लोग देखेंगे, ठीक है। काइंड ऑफ टीथ मॉडिफाइड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस, हम लोग दांत के प्रकार को पहले देखते हैं। तो क्या क्या होता है, इंसीजर्स होते हैं, कैनाइंस होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। अब हम लोग इसके देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, सबका अपना अपना काम होता है। जैसे हमारे दांत का काम क्या है, चबाना है, ठीक है, हमारे जीभ का काम क्या है, मिक्स करना है। तो सारे पार्ट के अपने अपने काम होते हैं, तो वैसे ही हमारे जो 32 दांत हैं तो उनमें भी सारे दांत का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो इंसीजर्स का क्या काम है, कट करना और नीप करना, ठीक है। कैनाइंस का काम होता है कि होल्डिंग ऑन टू प्रे, ठीक है, शिकार को पकड़ना, ठीक है। और इंसीजर्स का काम है कट करना, काटना, ठीक है। प्रीमोलर्स का काम है कटिंग एंड क्रशिंग, यानी कट करके उसको, जो हम लोग क्रश करते हैं ना, तोड़ते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे चना खा रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसको तोड़ें, ठीक है, और फिर ऐसे चबाने लगते हैं, ठीक है। वो तो मोलर्स का काम क्या है कि चीविंग, ग्रिंडिंग, क्रशिंग, चबाते हैं, ग्रिंड करते हैं उसको, एकदम पतला पतला तोड़ देते हैं, ठीक है, मिक्स कर लेते हैं, फिर उसे क्रश करके क्या होता है, फिर हम लोग तो निगल ही जाते हैं ना। वही चबाना जो एक ही बार में हम लोग करते हैं ना, मुंह का काम क्या है, उसमें दांत है हमारा, और दांत का काम क्या है, पूरा एकदम चबा चबा के कोई भी बड़ा पार्टिकल उसको एकदम छोटा छोटा कर देना। तो वही इसमें है कि किसी का काम है काटना, तो किसी का काम है होल्ड करना, तो किसी का काम है उसको तोड़ना, क्रश करना, किसी का काम है चबाना, ग्रिंड करना। तो ये सारे काम डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे तो कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन पढ़ाई में अगर देखिए तो उसमें सभी जो पार्ट हैं, सभी जो दांत हैं, उसके अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग खा रहे हैं तो पता चल रहा है कि किस दांत का क्या काम है, नहीं ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ईच टूथ इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स, सारे जो दांत हैं, ठीक है, वो उनके भी कुछ लेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसके 4 लेयर थे, सीरोसा, मस्क्यूलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो वैसे ही इसके भी कुछ लेयर्स हैं। सबसे पहला इनेमल है, इनेमल जो है सबसे हार्ड लेयर है और आउटर सरफेस है, जो कि हमारे दांत का प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। ये दांत को डैमेज होने से बचाता है, कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, वो होने से बचाता है, ठीक है। डेंटाइन क्या होता है, इनेमल जो है उसके जस्ट नीचे क्या होता है, डेंटाइन होता है। डेंटाइन भी प्रोटेक्टिव लेयर ही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पार्ट है वो है सेलेवरी ग्लैंड। ये क्या है, एसेसरी ऑर्गन है, जिसका काम क्या होता है, मेनली डाइजेशन को करवाना, डाइजेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है। ये भी 3 पेयर में होते हैं, पहला है सब लिंगुअल, दूसरा है सब मैंडिब्यूलर और तीसरा है पैरोटिड। सबसे लार्जेस्ट जो है वो क्या है, पैरोटिड है, जो कि हमारे ईयर्स के बिलो होता है, नीचे होता है, ठीक है। मम्स क्या है, मम्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पैरोटिड ग्लैंड का जो इन्फेक्शन होता है, जो अचानक से हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मम्स,
एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड है जो कि टाइलिन नामक एंजाइम को सिक्रीट करता है। और टाइलिन का क्या रोल है वो तो आप लोग जानते ही हैं कि उस वो ऐसा एंजाइम है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है, स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है फूड को। ये क्या करता है, ये सारी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को सिक्रीट करेंगे, और सलाइवा में क्या होगा, म्यूकस होगा, एंजाइम्स होंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट होता है थ्रॉट फेरिंज, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर चुका है। फिर हमारा आता है इसोफेगस। इसोफेगस क्या है, कोलेप्सिबल ट्यूब है, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाएं और क्या होता है, खाना खाने के बाद वो हमारे जो फूड पाइप है उसी के थ्रू तो स्टमक में जाता है, हमारे पेट में जाता है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेगा तो कैसे हमारा खाना नीचे जाएगा, ठीक है। तो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है जिसके चलते कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, जो इसके मसल्स होंगे इसोफेगस के, यानी सॉरी जो फूड पाइप है उसके, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते करते ये हमारे पेट तक खाने को सेफली पहुँचा देते हैं। अगर ऐसा हुआ कि मतलब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना हो तो क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग पेड़ से उल्टा लटक रहे हैं या फिर सिर नीचे करके पैर ऊपर करके ऐसे कोई आसन कर रहे हैं तो खाना खाए हुए तो समझे तो पूरा खाना हमारे मुंह में आ जाएगा, हम लोग वॉमिट कर जाएंगे, ठीक है। तो वही है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसका भी अपना रोल है। अगर ये ना रहे तो ग्रेविटी के कारण तो सारा खाना नीचे आ जाए, अगर हम लोग उल्टे लटकते हैं या उल्टा कोई काम करते हैं तो, ठीक है। तो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसी के चलते हमारा जो खाना है वो डायरेक्टली फूड पाइप से हमारे स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसोफेगस की जो लंबाई होती है, जो इसका लेंथ होता है वो 10 इंच होता है, जिसे हम लोग 25 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है, बर्थ के टाइम में जो उसका लेंथ होता है, जो हमारा इसोफेगस है, तो वो एक मस्कुलर ट्यूब है, और इसका लेंथ कितना होता है तो 8 से 10 सेंटीमीटर होता है जब बच्चा जन्म ले छोटा हो उस टाइम में, और 15 साल 16 साल पहुँचते पहुँचते उसका जो लेंथ है वो 19 सेंटीमीटर हो जाता है। और जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होते हैं तो हमारा जो फूड पाइप का लेंथ है 25 सेंटीमीटर पहुंच जाता है, ठीक है। और ये ऐसा मस्कुलर ट्यूब है जो कि हमारे फेरिंज से स्टमक तक जोड़ता है, कनेक्शन बनाता है, और जिससे आसानी से हम लोग माउथ में अगर फूड लेते हैं तो वो हमारे फेरिंज से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंच जाता है और पूरा प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि इसमें मैंने इसोफेगस में डिस्कशन कर लिया है कि पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है जो कि फूड को मूव करवाता है स्टमक तक, ठीक है, अपसाइड डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ हमारे स्टमक में आके स्टोर होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्टमक, मस्कुलर सैक जस्ट बिलो डायफ्राम एंड लीवर। तो ये एक मस्कुलर सैक होता है और किसके नीचे होता है, तो हमारा डायफ्राम और लीवर के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। मस्कुलर सैक जस्ट बिलो डायफ्राम एंड लीवर एलिमेंट्री कैनाल एक्सपेंड्स टू फॉर्म स्टमक डिवाइडेड इंटू रीजन्स फंडस बॉडी पाइलोरीज। तो स्टमक क्या है, मस्कुलर सैक है, डायफ्राम और लीवर के नीचे होता है, और एलिमेंट्री कैनाल क्यों एक्सपेंड हुआ है, ठीक है, तो वो एक्सपेंड हुआ है क्यों, स्टमक को फॉर्म करने के लिए। एलिमेंट्री कैनाल को यहीं तक रुक जाता, फूड पाइप तक ही, क्या ज़रूरत था उतना लंबा होने का और, ठीक है। तो उसका मेन रीज़न है कि वो स्टमक को फॉर्म करना था, क्योंकि ये कनेक्शन है ना हमारा, कि माउथ कैविटी है, वहाँ से फेरिंज में आया, फेरिंज से फूड पाइप में आया, फूड पाइप से स्टमक में आया। अब स्टमक नहीं होगा तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाएगा खाना, तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आँत से बड़ी आँत में, बड़ी आँत से होते हुए रेक्टम एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टमक में भी क्या होते हैं कि तीन रीजन होते हैं, तीन रीजन में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है फंडस, दूसरा है बॉडी, और तीसरा है पाइलोरिस। तो सबसे ऊपर ऐसे हम लोगों ने देखा हो कि जे शेप्ड में होता है ये, ठीक, जे शेप का होता है, और जो ऊपर, ठीक है, जे का जो ऊपर है यानी स्टमक का जो ऊपरी पार्ट है उसे हम लोग फंडस कहेंगे, बीच वाले को बॉडी कहेंगे, और सबसे नीचे का जो है उसे हम लोग पाइलोरिस कहेंगे, ठीक है। मसल लेयर आर वेरी वेल डेवलप्ड इन स्टमक। तो क्या होता है कि हमारे स्टमक में भी मस्कुलर लेयर्स होते हैं, ठीक है, मसल लेयर्स होते हैं, जिसमें हमारा जो पहला लेयर है वो सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, और क्या होता है, ऑब्लिक। सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल,
ऑब्लिक, ये तीनों मसल लेयर होते हैं जो कि कहाँ डेवलप्ड होते हैं, हमारे स्टमक में डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, डेवलप होते हैं। हेल्प टू ब्रेक अप फूड बाय चर्निंग एक्शन रिजल्ट इन मिल्की वाइट लिक्विड। तो सबसे पहले हम लोग खाना को मुंह में लेते हैं तो सलाइवा के साथ मिक्स होकर वो बोलस फॉर्म करता है, ठीक है, बोलस फॉर्म हो गया, फिर वो आगे मूव करके हमारे पेट में जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या बहुत केमिकल होते हैं और ये जो मसल लेयर हैं वो अपना एक्शन शो करता है और फूड को तोड़ता है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल में टूटते हैं फूड और कैसे हो जाते हैं मिल्की वाइट लिक्विड, दूध की तरह लिक्विड में वो बदल जाते हैं, जिसे हम लोग चाइम कहेंगे। स्टमक में बोलस आके क्या बन जाएगा, काइम बन जाएगा, जिसे हम लोग काइम कहेंगे। स्फिंक्टर मसल्स क्लोज बोथ स्टमक ओपनिंग। तो स्फिंक्टर जो मसल है उसका काम क्या होता है कि वो प्रिवेंट करता है फूड का बैक फ्लो, यानी हम लोगों ने खाना खाया और फिर खाना खाए तो सो रहे हैं, कूद रहे हैं, जैसे भी मतलब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारा खाना आगे पीछे चला गया तो उससे हमारे बॉडी को नुकसान होगा, ठीक है, तो इसीलिए स्फिंक्टर बनाए गए हैं। तो कार्डियो इसोफेगियल स्फिंक्टर जो होता है वो फंडस जो हमारे स्टमक का पार्ट था ना वहाँ पे होगा, और पाइलोरिस के पास क्या होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। तो जब हमारे पेट में खाना आएगा तो 4 घंटे तक रहता है, तो वो उस टाइम में ये दोनों जो स्फिंक्टर है वो क्या होगा कि क्लोज हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम में क्लोज हो जाएगा, वो अपना प्रोसेस उसमें करेगा, उसके बाद फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा और फिर उसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करवा देगा, ठीक है। विद इन गैस्ट्रिक पेट्स आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो हमारे क्या होते हैं कि मतलब छोटे छोटे ग्लैंडुलर ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, स्टमक में, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक पीट कहेंगे। पीट का मतलब क्या, गड्ढा होना, ठीक है, गड्ढा होता है, मतलब ऐसे ऐसे ट्यूब की तरह बना रहेगा जिसे हम लोग पीट कहेंगे। और वो जो गैस्ट्रिक पीट्स होते हैं उसमें बहुत ही न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या है, ये तो आप जानते ही हैं कि वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन करता है, जिसमें हमारा म्यूकस हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए और HCL होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या है, हमारा पेप्सिन है, पेप्सिनोजेन, जिसको पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इपिथेलियल सेल्स हैं जो कि क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, म्यूकस ही रहता है तो वो हमारे गैस्ट्रिक वॉल को प्रोटेक्ट किए रहता है, नहीं तो HCL जो है वो इतना एसिडिटी कॉज कर देगा कि हम लोग एकदम परेशान हो जाएंगे। चीफ सेल्स का काम क्या है कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करता है, और पैराइटल सेल का काम है कि वो HCL सिक्रेट करता है। HCL हमारे पेट में इन्फेक्शन नहीं होने देगा और फिर जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वो किल कर देता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे लंबा पार्ट है, सबसे लंबा होता है क्या, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिल्स मोस्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी हेल्ड इन प्लेस बाय मेसेंट्रीज सीरस मेम्ब्रेन्स सब डिवाइडेड इंटू 3 फंक्शनल रीजन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो 22 फीट, जिसे हम लोग मीटर में देखें तो 6 से 7 मीटर होगा, तो ये हमारे शरीर का सबसे लंबा पार्ट होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, बहुत ही लंबा होता है। आप खुद सोच सकते हैं 6 से 7 मीटर की लंबाई क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी का बहुत सारा जो एरिया है, बहुत सारा जो रीजन है, यही भरा रखता है, ठीक है। एक छोटा सा नीडल एक जगह रख दीजिए और एक मोबाइल रख दीजिए, तो मोबाइल जो है ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा, तो वैसे ही इसका जब लेंथ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एरिया को कवर कर लेगा ना हमारे एब्डोमिन का। और ये क्यों अपने जगह पे रहता है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, मतलब उस चीज़ को इतना जब लेंथ है तो वो अपने जगह पे आसानी से रह नहीं पाएगा, इधर उधर हो सकता है। तो मेसेंट्रीज जो होते हैं, जो सीरस मेम्ब्रेन जो है, वो क्या करते हैं कि इसको अपने प्लेस पे मतलब रखे रहते हैं, ठीक है, मतलब इधर उधर होने नहीं देते हैं, प्रोटेक्ट किए रखते हैं उसको। और ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 फंक्शनल रीजन में डिवाइडेड है, तो उन 3 रीजन्स के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो उसका लंबाई मान के चलिए 10-12 फीट होता है, और मीटर में देखे तो 1.5 मीटर होता है, ठीक है। वाल्व लाइक स्फिंक्टर सेपरेट्स स्मॉल फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इलियोसिकल वाल्व। तो वाल्व का काम क्या होता है कि वो मेनली क्या करता है कि सेपरेट करता है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से।
तो जो हमारा इलियोसिकल वाल्व है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से क्या करता है, अलग करता है। नहीं तो वो मिल जाएगा ना एक, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन चारों तरफ रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। सब डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन्स, तो लार्ज इंटेस्टाइन भी जो है वो तीन रीजन में डिवाइडेड होते हैं, और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी तो तीन रीजन में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। तो वैसे ही हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी डिवाइडेड है तीन रीजन में, तो पहला है सिकम, दूसरा है कॉलन और तीसरा है रेक्टम। ठीक है, तो सिकम क्या है, तो ब्लाइंड एंडेड सेक दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन, कंटेंस अपेंडिक्स 3.5 इंचेस 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो क्या है कि ये जो एक सेक है, ठीक है, मतलब सिकम क्या है कि इसको मेनली अच्छे से समझे इजी लैंग्वेज में, तो क्या है कि जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडिंग होता है और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे मिलता है, तो वो पार्ट क्या है, सिकम है। वो जो अटैचमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, वही हमारा सिकम है। वहीं पे अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे वो जो पार्ट है वो अपेंडिक्स कंटेन करता है, जिसका अगर लेंथ देखें तो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3.5 इंचेज कुछ ऐसे। ठीक है, हर्बीवोरस प्रीमेट्स सच एज गोरिलाज एंड ऑर्गेंटियंस हैव एन इनॉर्मस सिकम पैक्ड विद बैक्टीरिया दैट डाइजेस्ट प्लांट फाइबर। पहले जो हर्बी और शाकाहारी जो जानवर होते थे जो कि मतलब घास वगैरह खाते थे, जैसे में गोरिला हो गया और ऑरेंगुटेंस हो गया, तो ये सभी जो जानवर हैं उनके पास बड़ा सा सिकम हुआ करता था। ठीक है, इनॉर्मस सिकम पैक्ड, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि बैक्टीरिया भी होते थे, बैक्टीरिया भी उसमें होता था, तो वो क्या करते थे कि प्लांट फाइबर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे। तो अब मतलब पहले के लोग घास भी तो खाया करते थे ना, तो उनमें ये हुआ करता था डाइजेस्ट करने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती थी क्योंकि पहले के लोग घास खाते थे, तो उनको डाइजेस्ट करना होगा ना, उसमें सेलुलोज रहता है। तो अब हमारा क्या है सेकेंड पार्ट, तो वो है कॉलन। तो कॉलन भी कुछ पार्ट में डिवाइडेड है, मेनली चार हैं वो पार्ट। ठीक है, तो सब डिवीज़न इसका अब हम लोग देखते हैं। तो पहला है असेंडिंग कॉलन, दूसरा है ट्रांसवर्स कॉलन, तीसरा है डिसेंडिंग कॉलन और चौथा है सिग्मॉइड कॉलन। ठीक है, ये चार मतलब कॉलन के सब डिवीज़न हैं। रेक्टम अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले सिकम था, फिर कॉलन आता है, फिर रेक्टम। ठीक है, ये 7 से 8 इंच इसकी मतलब होती है लंबाई। ठीक है, एंड सेट एनस, तो रेक्टम भी कहाँ पे जाके अंत होता है रेक्टम का, एनस के पास। ठीक है, एनस उसका एंडिंग पॉइंट है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ऑफ स्केलेटल मसल, तो जो एनल का एंडिंग है वहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कहेंगे। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, या फिर मतलब जब हम लोग को कभी भी मिक्सचरेशन की फीलिंग आती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे वॉशरूम जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फिकल मैटर तो डेली पास करना रहता है, डेली सबको फ्रेश होना रहता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि अगर ये ना रहेगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, स्फिंक्टर है यहाँ की, यानी कि वहाँ के मसल को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किए रहेगा, जब आप जाएंगे तब फ्रेश होंगे। ठीक है, तो स्फिंक्टर का मेनली काम होता है बैक फ्लो को रोकना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन का हम लोगों ने देखा था मेसेंट्रीज के बारे में, तो मेसेंट्रीज क्या थे, सीरस मेम्ब्रेन ही थे जो कि कवर किए रख रहे थे, और मेसेंट्रीज क्या करते हैं कि होल्ड किए रखते हैं सारे ऑर्गन को उनके जगह पे। तो सीरस मेम्ब्रेन क्या है, बॉडी वाल एंड ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमेन आर लाइंड विद पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, वो सीरस मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो कि जो भी एब्डोमेन के ऑर्गन हैं उसके वाल हैं उसको वो क्या किया रहता है, कवर किए रखता है। ठीक है, तो पेरिटोनियम भी दो तरह का होता है, पेराइटल पेरिटोनियम, विस्ट्रल पेरिटोनियम। ठीक है, तो मोस्ट बट नॉट ऑल ऑफ द विस्ट्रल ऑर्गन्स आर कम्प्लीटली लाइंड विद विस्ट्रल पेरिटोनियम। यानी कि विस्ट्रल पेरिटोनियम क्या करता है कि जो ऑर्गन्स हैं एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं उनको वो कवर किए रखता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एसेसरी ऑर्गन्स को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उसमें पहला हमारा है लीवर। लीवर क्या है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, और ये कहाँ होता है, जस्ट डायफ्राम के नीचे होता है, और इसमें दो लोब होते हैं जिसको कि मतलब कौन सा लिगामेंट सेपरेट करता है, तो उस लिगामेंट का नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट।
ठीक है। लीवर के दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। उन दोनों लोब को सेपरेट करता है, अलग करता है। उन दोनों के बीच में कौन सा लिगामेंट होता है जो कि उन्हें सेपरेट करेगा, तो उसका नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। हमारा सेकेंड जो एसेसरी ऑर्गन है वो है गॉल ब्लेडर। तो ये कहाँ होता है? लीवर के अंडर सरफेस यानी लीवर के नीचे होता है, ठीक है। गॉल ब्लेडर स्टोर करता है क्या? तो बाइल को, ठीक है। बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन करेगा? ठीक है, तो प्रोड्यूस लीवर करता है और स्टोर करता है कौन? गॉल ब्लेडर, ठीक है। पेनक्रियाज अब हमारा नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन है और उसका जो फंक्शन है वो है मोस्ट डाइजेशन इज कैरीड आउट बाई पेनक्रियाटिक एंजाइम्स इन कर्व ऑफ ड्यूडेनम एंड डॉर्सल टू ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। तो हमारे स्टमक का भी कुछ पार्ट होता है जैसे लेजर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। और ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम ये तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट थे, ठीक है। तो हमारा जो डाइजेशन में मेनली जो ऑर्गन काम करता है, जो बहुत बढ़िया बढ़िया एंजाइम सिक्रेट करता है, वो हमारा पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज जो है वो एग्जोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी ये हार्मोन्स भी सिक्रेट करेगा और एंजाइम्स भी सिक्रेट करेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका क्या रोल होगा डाइजेशन में। तो इंडोक्राइन ग्लैंड है तो ये हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सीरेटोनिन। तो मतलब इसका समझ सकते हैं क्या रोल है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पेनक्रियाज है वो कितने तरह के ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ है। तो दो टाइप के यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, हमारा इंडोक्राइन हो गया और एग्जोक्राइन हो गया, ठीक है। इंडोक्राइन जो है वो हार्मोन सिक्रेट करेगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि आइसोलेट्स क्या होते हैं। तो 2% ऑफ टोटल मास ऑफ पेनक्रियाज, देयर सिक्रेशंस पास इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, सिक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो हार्मोन क्या होता है, ठीक है। हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है। और हार्मोन जो होता है वो डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में ही तो पास होता है। ये ऑर्गन का काम क्या है? वो हार्मोन को सिक्रीट करेगा और उसे पास करेगा डायरेक्टली हमारे ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में। तो इसमें हमारा जो इंडोक्राइन है वो इंसुलिन ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है। और जो पेनक्रियाज का 2% मास है टोटल, वो क्या कहलाएगा? आइसोलेट कहलाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो डाइजेस्टिव फंक्शन है इसका, एंजाइम्स को, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा, जिसमें हमारा पेनक्रियाटिक एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है। तो ये हम लाइपेज हो गया। तो ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो कि जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव सिक्रीशंस आर कॉल्ड इन कलेक्टेड इन पेनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियाटिक जो हमारा पेनक्रियाज है वो जो भी सिक्रीशन करेगा वो कलेक्ट कहाँ पे होगा? तो वो हमारा कलेक्ट होगा पेनक्रियाटिक डक्ट में। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ऊपर हम लोगों ने लगभग जो भी ज़रूरी चीज़ें थी इस टॉपिक से जुड़ी वो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, जिससे क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी बातों पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।